एनीमे 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 ये आपको आजकल बहुत सुनने को मिलेगा, पर क्या ये सच में उतना अच्छा है जितना लोग इसे बताते हैं? तो चलिए जानते हैं आगे। तो अगर मेरे नज़रिए से देखोगे तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू विल सी ऑन इंटरनेट नाउ डेज। और किसी भी वीप से पूछोगे तो वो भी यही सेम चीज़ आपसे कहेगा। बट मेरा थंबनेल तो कुछ और ही कह रहा था। हाँ, एनीमे सक्स। तो अगर सच बोलूँ तो ये एक क्लिकबेट था, और एनीमे डजंट सक्स। बस जिस तरीके से एनीमे को दिखाया जाता है वो तरीका बेकार है। और मैंने इतने एनीमे फैंस देखे हैं पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस पर बात करे। मतलब आपको बेकार नहीं लगता है जब आप पूरे साल किसी एनीमे का वेट करो, फिर जब वो एयर हो तो 6 महीने तक आप उसके एयर होने का वेट करो? मतलब अभी मैंने कुछ समय पहले एनीमे देखना चालू किया और मैंने कहा शिट, ये होता है एनीमे। पर अब जब सारे अच्छे एनीमे ख़त्म हो गए तो मैंने ऑनगोइंग एनीमे चालू किए लाइक चेंसो मैन और ब्लू लॉक। और मुझे चेंसो मैन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पता नहीं इसकी हाइप इतनी क्यों थी, क्योंकि मुझे इसमें डेंजी के गोल के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगा। पर ब्लू लॉक वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनीमे लगी मुझे अभी तक का जो नई में आई है। बाकी अगर आपने दोनों एनीमे देखी हैं तो मुझे अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। बट फिर अभी टोक्यो रेवेंजर्स वगैरह का नया सीज़न आ गया और उसमें इतना सस्पेंस था कि मैंने देखना उसे एज अ एनीमे चाहता था, पर मुझे ना चाहते हुए भी मांगा पढ़नी पड़ी। तो फिर मैंने अपने दोस्त से बात की और उससे बताया कि भाई तुझे बुरा नहीं लगता कि एक एक करके इतने सारे एपिसोड्स एयर करते हैं हफ्तों भर? और आप मानोगे नहीं उसने क्या कहा। उसने कहा इसी में तो मज़ा है, मतलब पता नहीं क्या मज़ा आता है लॉन्डो को। जब तुम्हारे सामने मांगा पड़ी हो और एनीमे तुम्हें क्लिफ हैंगर पर छोड़ के चला जाए तो क्या आप मांगा नहीं पढ़ोगे? तो ये बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है जिस पर कोई बात ही नहीं करता। और टोक्यो रेवेंजर्स और ब्लू लॉक की एयरिंग का गम था कि अटैक ऑन टाइटन के फाइनल पार्ट की एयरिंग को लेके एक टीज़र आया जिसमें लिखा था कि ये 2 कोर में रिलीज़ किया जाएगा। मतलब यार उस टाइम मेरा दिल इस कदर टूटा कुछ कहने को नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब, क्योंकि पिछले एक साल से मैं अटैक ऑन टाइटन के नए सीज़न का वेट कर रहा था और पहले न्यूज़ थी कि ये जैन तक आ जाएगा। अब बता रहे हैं मार्च में आएगा और वो भी आधा सीज़न। मतलब अच्छा एनीमे क्या बना लिया हम वीप्स की फीलिंग के साथ ऐसे खेलोगे? पर हम भी क्या कर सकते हैं। वैसे मैंने एओटी की मांगा पढ़ ली है पर एनीमे का अलग ही नशा होता है। तो अपना ओपिनियन बताना मत भूलना कि आप मेरे दोस्त की तरह हो जिसको एक एक एपिसोड देखना पसंद है, या फिर मेरी तरीके हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 एपिसोड तो देखना चाहते ही हो। और अटैक ऑन टाइटन कम थी तो अभी उड़ती उड़ती न्यूज़ आई कि डीमन स्लेयर का पहला एपिसोड थिएटर में आएगा जो कि म्यूज़ान की अपर रैंक 12 की मीटिंग पे बेस्ड होगा। और मेरे दोस्तों ने सुनते ही मना कर दिया कि एक एपिसोड के लिए उन्हें पैसे नहीं बर्बाद करने, और डीमन स्लेयर भी एक म्यूज़ान ट्रेन जैसी नई मूवी बना के रिलीज़ करवा सकता था, पर हम क्या ही कर सकते हैं। तो आपका ओपिनियन क्या है स्टूडियो की ऐसी एयरिंग पे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। बाकी मैं तो परेशान हूँ स्टूडियो से। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज हीरोज चैट साइनिंग ऑफ।